बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, शॉप नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। राजनीति में विरोध का स्तर व तरीका कुछ भी हो सकता है, मर्यादा व सम्मान की बलि चढ़ाई जा सकती है। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के दौरान राजनेताओं के बयान के रूप में देख लिया। आज मेरठ में समाजवादी पार्टी की युवजन सभा इकाई ने ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया कि हर कोई देखता रह गया। चौराहे पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के बड़े से फोटो को लगाकर घोषणा की गई कि समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाले संबित पात्रा की फोटो पर एक जूता लगाए और 20 रुपए पाए। ये भुगतान पेटीएम के माध्यम से किया जाना बताया गया है। आइए पहले सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं युवजन सभा के जिला महासचिव पवन गुज्जर। मैं पवन गुज्जर, समाजवादी पार्टी दक्षिण विधानसभा मेरठ। जैसा संबित पात्रा को लगातार हम टीवी चैनल्स की डिबेट में एक धर्म के विरुद्ध बोलते हुए, सांप्रदायिकता का जहर घोलते हुए लगातार देख रहे हैं। रात दिन ये देश में भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में जो शाहीन बाग में एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ हमारे एक भाई गुजर भाई को बहकाकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने उन्हें उकसाकर वहाँ एक गोली चलाने का जो निंदनीय कार्य कराया गया है, उसकी हम निंदा करते हैं और आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। ये सरकार जनता के भी विरोधी है, धर्म के भी विरोधी है। ये हिंदुत्व का सिर्फ एक झोंक कर रही है। संबित पात्रा लगातार चुनाव में जो दिल्ली में मुद्दे हो रहे हैं उनमें हमारे समाज का इस्तेमाल कर रहा है। हम वो काला दिन भूले नहीं है जब 2006 और 7 में हमारे 72 वीर गुजरों की शहादत हुई थी गुजर आंदोलन को लेकर। वो दिन हम आज तक भूले नहीं है। उसी को हम लोगों को भुलाने के लिए ये लगातार गुजर समाज का इस्तेमाल चुनावी मुद्दों में कर रहे हैं। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। गुजर समाज इस तरह किसी भी घोर कार्य की इजाजत नहीं देता। आज किस तरह का आंदोलन आपने किया है लोगों को? आज जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, उसको लेकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। युवा यहाँ बेरोजगार है, सैकड़ों की तादाद में है। जो दिन भर ये लोग देखते हैं टीवी पर जो जहर घोल रहे हैं, जो कोरोना चीन का वायरस है, ये उससे भी खतरनाक वायरस संबित पात्रा है, उससे भी खतरनाक वायरस जो देश की सांप्रदायिकता का माहौल लगातार बिगाड़ रहा है और देश में अशांति व्यवस्था फैला रहा है, उसी को लेकर युवाओं में विरोध है। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ दिखाया है। इस पर चप्पल मारने वाले को 20 रुपए पेटीएम दिया है। ये 20 रुपए पेटीएम कहाँ से दिया जा रहा है? जो सैकड़ों लोग यहाँ पर चप्पल मारने वाले हैं, ये कहाँ से पैसा मिलेगा? मैं किसान वर्ग का लड़का हूँ। आज की कल सुबह खेती से जो हमारे यहाँ से उपज होती है, फूल की खेती है, उसी से आज हमें 1500 रुपए की प्राप्ति हुई थी। उन सभी पैसों को मैंने पेटीएम में डलवाकर इन युवाओं को रोजगार के कहीं ना कहीं 20 रुपए की मदद हो, उसी का कार्य मैंने किया है। चप्पल मारने का तो आपने रोजगार ढूंढ लिया, पर कहीं दूसरा रोजगार बच्चों को दिया, या जो 20 रुपए थे किसी और माध्यम से भी दिए जा सकते थे, ऐसा क्योंकि चप्पल मारने पर ही पैसा दिया गया है? ये एक लोगों के साथ जो भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि सच में ये लोग गलत है। पवन का कहना है कि देश में व्याप्त बेरोजगारी व अन्य समस्याओं पर भाजपा का ध्यान नहीं है। टीवी चैनलों पर बैठकर पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इस पर तुरंत ही देश हित में रोक लगनी चाहिए। जिस वक्त जूते मारने का उपक्रम चल रहा था, उधर से गुजरने वाले लोग बरबस ही मुस्कुरा रहे थे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।